मित्रों कैसे हैं आप सब। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मित्रों आप इस प्रकार की न्यूज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों अब प्रश्न यह है कि यूपी बोर्ड के बच्चों के मध्य कि जो हम लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम तो लेट हुआ ही है, तो 2022 के जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो कब तक में रिलीज़ किया जाएगा। तो मित्रों हम आपको यह बताना चाहते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ वो मार्च से शुरू हुआ, 28 मार्च से शुरू हुआ। चलिए 28 मार्च से आपका जो एग्ज़ाम हुआ ये शुरू हो गया। अब रिजल्ट की तैयारी क्या किया जाए, तो पहले आप ये देखिए आपका एग्ज़ाम कब से कब हुआ। तो मित्रों आपका जो एग्ज़ाम हुआ वो 28 अप्रैल से शुरू हुआ, राइट। अगर 28 अप्रैल शुरू हुआ तो समाप्त कब हुआ, 15 अप्रैल को। अब 15 अप्रैल को समाप्त नहीं हुआ है। अब आप जानते हो मित्रों इस बार कोविड की वजह से आपका जो मित्रों कोविड की वजह से जो आपका एग्ज़ाम है वो लेट हो रहा है। तो 15 अप्रैल को आपका ये लिखित एग्ज़ाम समाप्त होगा, उसके बाद में तो प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा। क्या शुरू होगा, प्रैक्टिकल। उसके बाद में तो प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा। अब आप यह जानना चाहते हैं अगर प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा तो ये कितने दिन चलेगा। तो मित्रों ये भी लगभग आपका 15 से 20 दिन यानी एक महीने भी लिया जाता है। तो इस बार बहुत जल्दबाजी में सब वर्क किया जा रहा है। तो मित्रों हमें लगता है कि आपका पूरा अप्रैल ये एग्ज़ाम ही चलता रहेगा। अगर मित्रों अगर पूरा अप्रैल आपका ये एग्ज़ाम ही चलता रहेगा तो प्रश्न ये है कि रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट की बात करें मित्रों, किसी भी एग्ज़ाम को पूर्ण होने के बाद जो आपका मित्रों रिजल्ट होता है उसे आने में लगभग 2 महीने समय लगते हैं। कितना महीना मित्रों, 2 महीने समय लिया जाता है। इस 2 महीने में क्या होता है मित्रों, जैसे आपकी कॉपी चेकिंग होगी, आपको नंबर कितना मिला है उस नंबर को पूरा कैलकुलेशन किया जाएगा, फिर इस नंबर को क्या किया जाएगा, वेबसाइट पर चढ़ाया जाएगा, फिर आपके रिजल्ट को रिलीज़ कर दिया जाएगा। ठीक, इसके बाद मित्रों हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर मुलाकात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।